कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने हमारे पार्ट 3 आ चुके अब तक, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके आगे वाले वीडियो में हमारा था 6.3.1, उसके बाद में स्लो राइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो भी आगे वाले वीडियो में चला गया। आज का हमारा टारगेट है, ठीक है ना, देखो थोड़ी खरी खरी बता देते हम, 6.3.3 लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा होता है? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या लेन देन है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द रीजंस है, कोजिस है, और लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है। बस ये आपका और हमारा आज का टारगेट है। आज का जो वीडियो है मेरे हिसाब से पार्ट 4 है, ठीक है, क्या है बेटा? और आज के वीडियो में हम यहाँ तक लिमिटेड रहेंगे, कोई डाउट है? नहीं है, चीज़ों को सुनना समझना, ठीक है ना, आप भी अपने आप को अननोन किंग मत बताना, कोई डाउट है? लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा क्यों होता है कि ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, सेविंग्स का लो रेट है और इन्वेस्टमेंट का लो रेट है, उससे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ता, देख लेते हैं। इंडियन प्लानिंग, प्लानिंग मतलब हमेशा समझ लेना, प्लानिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, जहां पे पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, 5 ईयर प्लान्स ऑर्गेनाइज होते थे, ठीक है। स्ट्रोक को थोड़ा पतला कर लेते हैं, यस हियर इट इज, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यस हियर इट इज, फाइन। इंडियन प्लानिंग हैज इंक्रीज्ड नेशनल इनकम, हमने जब 5 ईयर प्लान्स करे, क्या करे, 5 ईयर प्लान्स करे, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ी, इट्स ओके। लेकिन आप इसके आगे वाले चैप्टर में भी पढ़े हो, पॉवर्टी में भी पढ़े हो, 6.3.1 में आप पढ़े, ठीक है ना, 6.3.2 में भी पढ़े, तो कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट को देखो, ये तीसरा कंटिन्यूस टॉपिक है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, जहां पे मुझे पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में? इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट को सीधा रिलेशन पॉपुलेशन से, समझ रहे हो? जैसे कि हम आपको प्लेन प्लेन मोटे मोटे तौर के ऊपर एग्जाम्पल दें, ठीक है, जैसे कि 2014 में, मैं थोड़ा एक 2 ईयर बैक चला जाता हूँ, 2012 में मी एंड माय वाइफ एग्जाम्पल है, क्या है, प्लेन एग्जाम्पल है, मी एंड माय वाइफ बिना, बराबर है, दोनों अकेले थे एंड हमारा सैलरी कुल मिला के फैमिली इनकम 30,000 था, ठीक है। अब एक साल बाद मेरा इनकम 3,000 बढ़ा, लेकिन मेरी एक डॉटर पैदा हो गई, फिर वापस मेरा सैलरी 3,000 बढ़ा, फिर एक डॉटर पैदा हो गई, ठीक है, हमने ही करी, पैदा हो गई मतलब ऊपर से थोड़ी ना टपकी है, भगवान आके थोड़ी ना देके चला गया, तो हम 4 हो गए, समझ रहे हो? तो इनकम तो बढ़ी, इनकम एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ी घर की, समझ रहे हो? इनकम बढ़ने के साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या मेरा सेविंग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि उनको भी अपना खर्चा चाहिए। फिर धीरे धीरे सर, फिर तो इतने साल चले गए, बट धीरे धीरे उनका भी तो खर्चा बढ़ेगा, उनके एजुकेशन के पीछे खर्चा करना पड़ेगा, उनके कपड़ों के पीछे खर्चा करना पड़ेगा, फटाके, नवरात्रि, बर्थडेज, आप समझ रहे हो? तो एक बच्चा जब आज की तारीख में मॉडर्न जमाने में पैदा होता है तो उसको सालाना एटलीस्ट 1 लाख रुपीस चाहिए, एटलीस्ट, बेसिक बात कर रहा हूँ, कितना चाहिए? एक लड़का जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही और सी, वो छोटा सा बच्चा है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उनको एटलीस्ट सालाना 1 लाख रुपया लगता है एक्सपेंस, ठीक है, तो वो भी एड ऑन होना चाहिए ना, समझ रहे हो चीज़ों को? तो एज इंडियन प्लानिंग हैज इंक्रीज्ड, भारत का जो प्लानिंग था उसकी वजह से राष्ट्रीय आवक तो बढ़ गई, लेकिन फिर पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। साइमल्टेनियसली वर्ड को हम ऐसा समझेंगे, साथ साथ, इसको क्या बोलने का है बेटा, हम साथ साथ, साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज्ड। हमने क्या बोला, भारत के अंदर प्लानिंग की वजह से हमारा राष्ट्रीय इनकम बढ़ा, लेकिन PGR पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, ये सब वर्ड्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ऑल्सो इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड एट अ लोअर रेट,
पर कैपिटा इनकम बड़ा होगा लेकिन उसका रेट कम है। पर कैपिटा इनकम आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आपको पता ही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम, गुजराती में माथाडीठ आवक कहेवामां आवे, ठीक छे। देन नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम स्काई रॉकेटिंग बढ़ा, ऐसा लगा कि अरे यार भारत में तो कितना खतरनाक इनकम हो गया, भारत तो कितना सॉलिड कमा रहा है। लेकिन देखो हमने पहले भी मेंशन किया है 37 करोड़ से वन हम 140+ करोड़ हो गए, तो पर कैपिटा इनकम तो इतना बड़ा नहीं जितना हमारा नेशनल इनकम का रेट है, इतना हमारा पर कैपिटा इनकम का रेट नहीं है। ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंसिस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ बर्डनसम, यार ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डनसम पॉपुलेशन, अब आप इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज द बर्डनसम पॉपुलेशन, जो बंदा अर्न नहीं कर रहा है उसको आप बर्डनसम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बर्डनसम बोझ है, बोझ वाला पॉपुलेशन। वैसे हम हमारे हिंदू संस्कृति में पेरेंट्स को बोझ नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहिए। देखो अगर हम मैं अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट करूं, इन लोगों ने बुक में लिखा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, उनको बर्डनसम बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, जैसे आज के लिए आज की तारीख में अगर मेरे लिए ठीक है, मैं मतलब दादा मेरे लिए, मैं बच्ची मेरी दो बच्चियाँ अगर बोर्डनसम है, देवाश्री और ईशिता, तो आज से 20 साल बाद शायद मैं उनके लिए बर्डनसम हूँ, मतलब उनके लिए मैं बर्डन हूँ क्योंकि मैं शायद अर्न नहीं करूँगा, कोने में पड़ा हूँ, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो बर्डनसम पॉपुलेशन समझते हो, जो फैमिली के लिए बोझ है, मतलब उनका नेट इनकम 0-0 है, एट द सेम टाइम वो खा रहे हैं, बट इट्स ओके, खाना चाहिए, कोई डाउट है नहीं है, इट्स अ साइकिल, ये कैसा है, और वो साइकिल कभी हम बर्डन फिर हम काम करते फिर वापस हम बर्डन, है ना। केप्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एट लोअर रेट, बंद कर दे, बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत लो रेट था, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत लो रेट, आपको पता है पुरानी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, 500 बार पढ़ चुके हैं हम, और जो अदर सेक्टर्स है ना, ऐसा है तो IAS याद रखो, IAS आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर और अदर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा। अगर पिछले 75 सालों से एग्रीकल्चर, मेरा खुद का खेत होता तो मेरे दादा के पापा मतलब जो कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते शायद उनमें से हल्का फुल्का चेंजेस किया होगा मैंने, बहुत सारे टेक्निक्स मैंने चेंजेस नहीं किए होंगे, और थ्रेसर और हार्वेस्ट करने के लिए वो नहीं अलग अलग मशीन आते, वो भी शायद मैं आज की तारीख में रेंट पे लाता होता, बहुत कम लोग हैं जो जिनके पास इतने सारे डिवाइसेस होते हैं, समझ रहे हो। दे कुड नॉट क्रिएट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन लोगों ने इतने सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाए हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स रहा है। आपको पता है हम एक बार पढ़ते हैं, रीड करते, समझते, वापस समझते और वापस उसको रटने वाला काम करते, ठीक है ना। तो ये है हमारा कॉजिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, अनएम्प्लॉयमेंट का एक 6.3.3, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कुल मिला के सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो रेट कम रहा है, और ये कम क्यों रहा है लखन, क्योंकि देखो हालांकि हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ा है ना, ये इसकी आत्मा पकड़ लेते हैं हम, नेशनल इनकम प्लस 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 रहा, लेकिन क्या पॉपुलेशन भी बढ़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी उसके साथ साथ प्लस प्लस रहा, इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम सिर्फ प्लस रहा, हल्का सा बढ़ा, हमने यहाँ पे चलो प्लस 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 कर देते हैं और पर कैपिटा इनकम को एक प्लस देते हैं, बड़ा बड़ा लेकिन कम बड़ा, लो रेट से बड़ा, आप समझ रहे हो, और इसकी वजह से फिर बर्डन सम पॉपुलेशन, कैसा डी लिख दिया मैंने, बर्डन सम पॉपुलेशन है ना, बर्डन सम मतलब जो आपकी फैमिली के ऊपर बोझ है। वैसे हम हिंदू संस्कृति में इनको बोझ नहीं समझते क्योंकि अगर हम किसी और को बोझ समझेंगे तो आज से 5 साल बाद वापस हम बोझ बन जाएंगे, समझ रहे हो, कोई डाउट है। तो इंडियन प्लानिंग हैज इंक्रीज्ड नेशनल इनकम, भारत में जो भी प्लानिंग हुए इसकी वजह से राष्ट्रीय आवक तो बढ़ी, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली मतलब क्या बेटा, साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट PGR ऑल्सो इंक्रीज्ड,
एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप पर कैपिटा इनकम इंक्रीज प्लस हुआ, पर कैपिटा इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज प्लस हुआ लेकिन कम रेट से हुआ, एट अ लोअर रेट देन नेशनल इनकम। हमने इसीलिए आपको यहां पे प्लस प्लस करके दिखाया, राष्ट्रीय आवक बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, प्लस प्लस प्लस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर, वस्ती वृद्धि दर प्लस प्लस प्लस, लेकिन पर कैपिटा इनकम माथा दीठ आवक थोड़ी ओछा दर है वधी। कोई डाउट है? नथी। ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लो पर कैपिटा इनकम, ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, हमारा किसी और देश के साथ कंपैरिजन करें तो हमारा पर कैपिटा इनकम काफी कम है, तो ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक तो हमारा पर कैपिटा इनकम कैसा है, कम है, उसका रीजन भी बर्डनसम पॉपुलेशन है, फिर एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ बर्डनसम पॉपुलेशन, एक्सपेंसेस खर्चे होंगे ना, एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, अब बर्डनसम पॉपुलेशन है उनके और कोई नीड्स नहीं होंगी लेकिन उनके बेसिक नीड्स तो होंगी ना, खाना पीना वगैरह वगैरह, कैप्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एट लोअर रेट, ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा कम रहे, और बिकॉज ऑफ लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई सेविंग पैसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा तो वो ज़्यादा विकास करेगी, एग्रीकल्चर IAS एंड अदर सेक्टर दे कुड नॉट क्रिएट मच एम्प्लॉयमेंट, अगर उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है ना, आप समझ रहे हो चीज़ों को, है ना, विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है हमारा लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने बहुत तगड़ा आपके दिमाग में क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, इसीलिए हाँ ये टट्टी नहीं है वीडियो, बहुत एफर्ट्स लगती है इसके अंदर, लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पहली बार करना, दूसरी बार करना, उस पैराग्राफ को ऑलमोस्ट जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता है उसको भी वो अच्छे से निभा ले ऐसे पढ़ाना, इट्स नॉट अ टट्टी वीडियो, यू नो आपको ध्यान देना चाहिए कि टट्टी क्या है, यू नो, और अगर टट्टी है तो फिर आपने, आपको पता है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे वीडियो टट्टी जैसे है तो मैं शर्त लगाने के लिए रेडी हूँ कि आपने टट्टी को टेस्ट किया होगा, क्या है, यू मस्ट हैव, और आपका तो मतलब इंटरव्यू होना चाहिए, यू मस्ट हैव टट्टी टेस्टेड पर्सन, कैसे हो, टट्टी टेस्टेड पर्सन, और अगर आपको पता है टट्टी कैसी लग रही है तो लेबोरेटरी में एक्चुअली स्टूल टेस्ट होते हैं, पता है, मैं आपको बता दूँ, स्टूल मतलब टट्टी टेस्ट, नहीं सही में, तो वहाँ पे जो हमें सब अलग अलग केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है कि टट्टी के अंदर क्या बैक्टीरिया है कि नहीं है, स्टूल टेस्ट होता है, जब डायरिया बंद नहीं होता ना तब ये टेस्ट होता है, तो केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मुँह ही बता देगा कि ये टेस्ट क्या है, ठीक है ना, एनी डाउट्स, कैन वी मूव ऑन, ठीक है, कोई डाउट है, 6.3.3 लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रही है, इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग, देखो जब मैं बोल रहा हूँ ना दिमाग में उसको पिक्चराइज, आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आगे क्या बोलूंगा, इंडियन प्लानिंग भावना दीदी हैज इंक्रीज नेशनल इनकम, हाँ वो कैलकुलेटर से पता चल जाएगा आपको, नेशनल इनकम बढ़ी है, बट साइमल्टेनियसली, भावना दीदी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज, PGR भी बढ़ा है भावना दीदी, कोई डाउट है बेटा, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब क्या, परिणाम स्वरूप पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, बढ़ा है लेकिन 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 उस लेवल पे नहीं बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एट अ लोअर रेट देन नेशनल इनकम से वो कम रेट से बढ़ा, इसीलिए हमने प्लस 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 बोला था, एग्जाम में ऐसा मत लिखना, एट द सेम टाइम कैसा, ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, अब ये जो पर कैपिटा इनकम जो हमारा लो है, एट द सेम टाइम हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, क्यों एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स ऑफ बर्डनसम पॉपुलेशन, एंड एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ बर्डनसम पॉपुलेशन, कैप्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एट लोअर रेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा लो रेट पे रहे, और बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन IAS इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड अदर, अगर अदर सेक्टर्स, अगर इन्वेस्टमेंट होगा नहीं तो फिर वो लोग इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ेंगे,
ठीक है ना, वो पॉइंट भी आगे ज्यादा ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। रिमोट देता हूँ शायद, या नहीं देख ले फिर भी ठीक है। दे कुड नॉट क्रिएट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट है? बहुत इजी है, ठीक है हम आगे बढ़े। देखो जैसे कुछ दिनों पहले अब भावना दीदी मेरे पास ये टॉपिक लेने लेकर आए थे, शायद कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। गुन्नू दीदी आए थे, ठीक है गुन्नू दीदी आए थे, कोई इश्यू नहीं है, गुन्नू दीदी आए थे। तो मैं आपको मैं बता दूं व्हाट इज ऑल दिस। पहले तो एक बार गुन्नू दीदी ढंग से लिख देते। गुन्नू दीदी ठीक है, वो क्या है, मैं यंग एंड डैशिंग हूँ तो मैं सबको दीदी बोलता हूँ, सब दीदी हैं हमारे। आई एम जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, जस्ट चल 6.3.4 कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एटलीस्ट एज फार एज दिस पर्सन इज कंसर्न। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। कोई डाउट है? नहीं है ना। सुनो अब देखो, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ऊपर मोटे मोटे तौर पे पढ़ाऊंगा ठीक है, फिर वो पैराग्राफ आपको पता चल जाएगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है उसका मतलब क्या पता है? आप बड़े बड़े मशीन्स खरीद रहे हो, बड़े बड़े, ये कभी कभी क्या हो जाता है मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल हो जाता है ना तो स्पेलिंग गलत चला जाता है। आप बड़े बड़े मशीन्स खरीद रहे हो, आप ऐसे मशीन्स खरीद रहे हो जिसकी वजह से मजदूरों की जरूरियात कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लेबर की जरूरियात कम हो जाएगी। इसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े मशीन खरीदने के लिए आपको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। क्या लगता है? अब हमारे देश ने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक की जगह कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल ज्यादा पैसा, महंगे मशीन, महंगे मशीन मतलब कम लोगों की जरूरियात। जितना वो रोबोटिक मशीन्स नहीं आते, काफी सारा काम, काफी सारे इंसानों का काम एक ही मशीन कर देगा, फिर वो मशीन को चालू बंद करने के लिए ही इंसान की जरूरत पड़, आप समझ रहे हो चीजों को। अगर लेबर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का अगर यूज करते भावना दीदी तो उसका मतलब आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ेगी। आपका ध्यान क्या है? बड़े बड़े मशीन्स के ऊपर नहीं है, है ना? ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लें, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वो गेहूं की बोरी है ना, उसका क्या बोलते थे हम उसको, वो पिलू कत्थई कलर का होता है ना, लाइट ब्राउन कलर की उसकी बोरी आती है, हाँ जूट, ठीक है वेरी गुड थैंक यू। ये जूट की बोरी नहीं आती थी, वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल में बनती थी, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको वो ऑर्डर्स देते थे। अभी वहां पे जूट मिल सब बंद हो चुके हैं, अब ये कोई जूट, ये जो है ना उसके लिए काफी सारे मजदूर लगते थे, बराबर है। अब हमने क्या किया, प्लास्टिक रिलेटेड है वो, प्लास्टिक की बोरियां आती है, मतलब वो कौन बनाता है, मशीन बनाता है, तो हमने कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में घुस गए और ये सारे मजदूर बेकार हो गए, बराबर है। तो गरीबी उतनी ज्यादा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। और आप अगर जब 10th स्टैंडर्ड में SS पढ़े थे, एग्रीकल्चर वाला 10th नंबर का चैप्टर ठीक है ना, उसमें आपने पढ़ा था जूट का जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल ही नहीं सिर्फ बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एक जमाने में वो दोनों सेम ही हुआ करता था, ठीक है ना। अब सब बोरी, गेहूं की बोरी अगर आपने पुरानी कंतान जैसी लगती है देखा होगा, कोई डाउट है आपको? तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक मतलब क्या, आपका फोकस रहेगा बड़े बड़े मशीन, और वो बड़े बड़े मशीन मतलब मजूरों की कमी। अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, और अगर आपकी टेक्निक लेबर इंटेंसिव होती तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता, लोगों को नौकरी मिल जाती। आपका फंडा क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है लखन अग्रवाल, अगर कोई इस वीडियो को टट्टी वीडियो बोलता है तो सही है कि गलत है? गलत है, उसने टट्टी चाटी होगी। हाँ ग्रेट थैंक यू बेटा, लव यू डार्लिंग। लड़का है हाँ, मतलब किसी को सुनने वाले को ऐसा लगेगा किसी लड़की को बोलता नहीं, मैं मतलब सबको। देखो जैसे एक फादर है अपने बच्चों को प्रेम करता है,
तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं लव यू बोलता ही हूँ, मैं स्टेटस में खुलेआम लिखता हूँ लव यू माई बॉयज़। इसको हाइपर बोल बड़ा चढ़ाकर करना कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो पता है जैसे आजकल के लोग कुत्ते को भी प्यार करते हैं, वो लोग अपने माँ बाप, आजकल के जनरेशन कैसी है, अपने माँ बाप को कुछ हो जाए ना तो इतना कंसर्न नहीं रहते, लेकिन उन्होंने जो कुत्ता पाला है ना, एक लड़की है मेरे को फीस नहीं देती अभी भी 10th स्टैंडर्ड की, 1 रुपीज़ फीस नहीं दी, मैं तो यहाँ पे ऑन एयर नाम बोल सकता हूँ उसका, समझ रहे हो। उसके पास एक कुत्ता है, टाइम देख ले 20 मिनट, उसको सुनाऊंगा ये 20 मिनट के बाद है, उसके पास एक कुत्ता है ठीक है ना, वो कुत्ता मतलब मेरी उसकी जितनी फीस है ना, मैं उससे जितना फीस लेता हूँ उससे ज़्यादा तो वो कुत्ता वो पेडिग्री समथिंग खाता है ठीक है ना। और जब उसके घर पे कोई नहीं होता है तो ट्यूशन में छुट्टी मारती है, क्योंकि उसको उसकी कुत्ती का ध्यान रखना है, कुत्ती है शायद वो लेडी लेडी और लेडी कुत्ता है। अरे एक बार मतलब कुछ काम था तो देखा मैंने वो कुत्ती को, ऐसा लगा बिल्ली है। अरे यार मैं बोला इसका पेडिग्री भी तो खा जाती है क्या, नहीं वो कुत्ते नहीं, तू नहीं जानता, अलग अलग, कोई ना बाद में बता दूंगा ब्रो, कोई डाउट है नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव हमारा फंडा क्लियर है ना, हमें क्या पढ़ना है, देर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अबेंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया। हमारे देश में कैपिटल की अच्छत है और एट द सेम टाइम मजदूर बहुत ज्यादा है, अबेंडेंस बहुत बड़ी मात्रा में जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं अबेंडेंस, अबेंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया ऑपोजिट है। इन दिस सर्कमस्टांसिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन एडॉप्टेड। हमारे देश में क्या एडॉप्ट किया जाना चाहिए था, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, क्या किया जाना चाहिए था, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को जोर। ब्रो 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 लाइट, हमारे देश में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए था, बंद कर देना चलेगा, हाँ ठीक है सॉरी वो मेरे को इसमें आ रहा है ठीक है। लेकिन बट फ्रॉम द सेकेंड 5-ईयर प्लान, मैंने आपका ये पैराग्राफ का फंडा पहले ही, हाँ वो खोल दो, वो खोल दो चलेगा, अरे वो इधर से खोल देना, इधर से लखन बराबर कर रहा है, हाँ वेरी गुड, अरे ठीक है अब समझ रहे हो। मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का फंडा आपका पहले ही क्लियर करवा दिया, लेकिन सेकेंड 5-ईयर प्लान के बाद से, बट फ्रॉम द सेकेंड 5-ईयर प्लान इंडिया हैज एडॉप्टेड डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, हमने हैवी और बेसिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा भार दिया, इसका मतलब क्या, इन प्लानिंग स्कीम ऑल्सो इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक वॉज गिवन लेस इंपॉर्टेंस। बराबर है, आपने क्या किया कैपिटल, इसका मतलब कुल मिला के इसको उल्टा वापस वो ऊपर पड़े थे ना ऐसे उल्टा बोला गया है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इसका मतलब क्या है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से कम इंपोर्टेंस दिया गया है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है, कोई डाउट है नहीं है। इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मेकेनाइजेशन वॉज एडॉप्टेड विथ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एट स्लो रेट। बराबर है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी ऐसी चीजें एडॉप्ट की गई जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रेट से बढ़ा। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू गेट सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियंस सच अ पॉलिसी इज अडॉप्टेड विच सेव्स लेबर। देखो अगर आपने कोई 60s का या 70s का कोई बॉलीवुड का मूवी देखा है, फिर आपने लाडला अगर अनिल कपूर का देखा हो, अनिल कपूर का लाडला ठीक है ना, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, सॉन्ग सुना होगा शायद आपने अनिल कपूर का, हाँ श्रीदेवी और अनिल कपूर का पिक्चर है, उसमें भी देखा होगा अनिल कपूर अपनी बीबी की कंपनी में नौकरी करता है और उसका वो यूनियन लीडर होता है। अब ये यूनियन लीडर क्या करते हैं, यूनियन बनाते ठीक है ना, फिर कोई कंपनी का कोई डिसीजन ऊपर नीचे हो जाता है ना तो वो लोग हड़ताल स्ट्राइक कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्ट्राइक, इसकी वजह से कंपनी का भारी नुकसान हो जाता है। अब इससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मजूर कम मशीन ज्यादा, आप समझ रहे हो। उन लोगों ने, वो लोग क्या सोचते हैं कि हर महीने अगर इतने सारे लोगों को इतनी सैलरी देनी है,
इससे अच्छा एक ही बार महंगा वाला मशीन ला दो, अपना काम, आप समझ रहे हो ना, सब अपना फायदा देखते हैं। तो ये लाइन पता चली, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू गेट सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियंस, वो लेबर यूनियंस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना, तो उनसे बचने के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई विच सेव्स लेबर। अदर देन द रेलवेज, इरीगेशन, रोड्स, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेक्टर ऑफ स्टेट ऑल्सो यूजिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो समझ रहे हो, अदर देन द दैट रेलवेज, रेलवेज भी हम इसको इरेज कर देते हैं, रेलवेज, फिर इरीगेशन के लिए, रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पब्लिक सेक्टर ऑफ स्टेट, सबके लिए ऑलमोस्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज होता है। ठीक है, जैसे आजकल के रोड देखो, IRBGC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रोड बनाती है, फिर वो क्या करती है, आपसे पैसा लेती है, टोल टैक्स लेती है। हम बोलते हैं ये लोग टोल टैक्स क्यों लेते हैं, भाई लेने पड़ेंगे, वो उन्होंने बनाया है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। जैसे ये मेट्रो बन रही है, मेट्रो रेल, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है मेट्रो बनाने का? नहीं है, उधार लिया है, कोई कंपनी पार्टनर है, विदेशी कंपनी, जापान की है शायद। ठीक है, तो वो लोग मुफ्त में काम थोड़ी ना करेंगे, बराबर है, कोई डाउट है आपको? नहीं, अभी आपकी सोसाइटी में रोड नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी का एक रोड RCC बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पैसे है और आपको RCC रोड की बहुत ज़रूरत है, कोई डाउट है? अब आपकी सोसाइटी में मैंने RCC रोड बना दिया, मैंने बोला एक साल तक इससे जो भी अंदर जाएगा और बाहर आएगा उससे मैं 10 रुपया लूंगा, ठीक है, तो फिर आप बोल रहे हो एक महीने के बाद, अरे ये तो जितनी बार अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है पैसा ले रहा है व्हीकल से। मैंने पहले ही बोला था भाई, आप एग्री करें, एग्री किया ना कि एक बंदा, अगर एक बंदा दिन में 10 बार अंदर और बाहर हो रहा है तो मैं 10 बार 10-10 रुपया लूंगा व्हीकल लेके, कोई डाउट है आपको? अब मेरा रोल सही के गलत, वो भाई हमारी टेक्निक ही ऐसी थी पहले से, आपके पास RCC रोड बनाने के पैसे नहीं थे, मैंने रोड बनाया, रोड बनाया तो मैंने पैसे लिए, आपने एग्री किया था, कोई डाउट है? तो टोल टैक्स बोलते हो फिर नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा बेटा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम एक्यूट। एक्यूट मतलब देखो, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। देखो क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म होता है, कैसा होता है, बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, जैसे कोई बीमारी बहुत लंबे वक्त से 5 साल 10 साल 15 साल से चल रही है, उसको क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं। जो एकदम से मतलब अक्यूट आता है, बराबर है, उसको अक्यूट बोलते हैं, एकदम से होता है। सो एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम अक्यूट। एक्चुअली क्रॉनिक होना चाहिए था, क्या बोलना चाहते हैं कभी कभी पता नहीं चलती है। यहाँ पे एक्चुअली अक्यूट का मतलब तीव्र लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तीव्र मतलब धारदार जोरदार, कैसा, खतरनाक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, खतरनाक, कोई डाउट है? दैट इज वाई भगवती कमिटी, हाँ ये वही भगवती है जिनका नाम PN भगवंती था, हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, थी नहीं थे, भगवती उनकी सरनेम थी। एंड वेंकट रामन कमेटी, अब इसको भी अज्यूम करो, वेंकट रामन कौन होंगे बेटा, अंकल तो होंगे ही, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे, गूगल कर लेना एक बार। विच वॉज फॉर्म टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो रेकमेंडेड टू यूज लेस मीके नेशन। ठीक है, देखो जैसे हमने इसके ऊपर पढ़ा था 6.3.3 लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने पूरा पैराग्राफ आपको रटवा ही दिया था। अब इसका मैंने एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, फंडा तो मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया क्या था, अब इसके अंदर जब एग्जाम हॉल में लिख रहे हो तो यहाँ पे 7-8 लाइनें, 1-8 लाइन नहीं लिखोगे तो भी आपको गणपति दादा कोई सजा नहीं देने वाले हैं। आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है, आपको यहाँ पे एटलीस्ट 3 लाइन वो लिखनी है कि भारत ने सेकेंड ईयर प्लान ऑनवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज किया है जो गलत है, जिसकी जगह हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करना था। और आपको ये दोनों चीजें पता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या है और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, कोई डाउट है आपको? नहीं है। और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को इन लोग इसलिए प्रीफर नहीं किए क्योंकि उस जमाने में लेबर यूनियन का बड़ा खौफ था, वो लोग आए दिन स्ट्राइक कर देते थे, कोई डाउट है आपको? नहीं है। देखो पहली लाइन शुरुआत करते हैं, प्रथम ग्रासेज मक्सिका, गुजराती में एक कहवत छे, सूचे बेटा प्रथम ग्रासेज मक्सिका, आनो होमवर्क आपूछू तमने, प्रथम हाइट नहीं लगतो, प्रथम
ग्रासेज ज लख्यू छे। हाँ बेटा ज ज ज ज इसका मतलब कल जान के आना, कमेंट सेक्शन में लिखना, टट्टी बट्टी मत लिखना बेटा, मक्सी का। और ये गुजराती में कुछ मिस्टेक है तो भी बता देना। प्रथम ग्रासेज मक्सी का, इसका मतलब कल जान के आना बेटा, कमेंट सेक्शन में बेटा टाइम के साथ लिखना, टाइम स्टैम्प के साथ, प्रथम ग्रासेज मक्सी का। कोई डाउट है बेटा? देर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। हमारे देश में पार्थ दवे, हमारे देश में कैपिटल की बहुत खतरनाक तंगी है और लेबर एबेंडेंस मात्रा में है, एबेंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया। इन दिस सर्कमस्टांसिस, ऐसे हालात में टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जब इतने सारे लेबर है और इस लेबर अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन अगर हमें लाना था तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करना था। क्या करना था? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स। या तो देखो, ये लोग कभी कभी बीच में ये आगे पीछे करके ऑफ लगाते ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, क्यों बच्चों को कंफ्यूज करते हो? यहां पे मैं वैसा ही लिख दूं ना, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक शुड हैव बीन एडॉप्टेड। क्यों अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं हम, है ना? रटना जरूरी थोड़ी ना सन हम। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। शुड हैव बीन एडॉप्टेड बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर फाइव ईयर प्लान इंडिया हैज एडॉप्टेड डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। हमने क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर भार दिया। इन प्लानिंग स्कीम ऑल्सो इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक वॉज गिवन लेस इंपॉर्टेंस। वापस उल्टा लिखा। इन प्लानिंग स्कीम्स, जितनी भी प्लानिंग स्कीम्स आई, हमने इनको क्या करना था? इन प्लेस ऑफ एक्चुअली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को कम इंपॉर्टेंस देना था। कैपिटल उल्टा लिखा है। हाँ लाइन वैसे सही है, जो लिखा है वो सही है, लेकिन हम इसको थोड़ा ज्यादा वाइस वर्सा लिखते तो अच्छा होता। कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? कोई जात का कंफ्यूजन है? इन प्लानिंग स्कीम्स ऑल्सो इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैव वाज गिवन लेस इंपोर्टेंस। एक्चुअली कम इंपोर्टेंस किसको दिया जाना चाहिए था? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। आप समझ रहे हो ना चीजों को? इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मिकेनाइजेशन वॉज एडॉप्टेड विच इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एट सोर। मिकेनाइजेशन मतलब समझते हो? मशीन्स, ठीक है ना? मिकेनाइजेशन मतलब क्या? मशीनों को ज्यादा भार दिया गया। आप समझ रहे हो ना? पहले इंसान वो बड़द की मदद से जमीन को खेड़ते थे, अब तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, फिर हार्वेस्टिंग के लिए भी, फिर थ्रेसिंग, बहुत कुछ। समझ रहे हो आप? ये सब 8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। 8 स्टैंडर्ड में वो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हो। साइंस का पहले वाला चैप्टर, साइंस का इरिगेशन की फैसिलिटी, साइंस का, यस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वॉज एडोप्टेड विच इंक्रीज। 8 स्टैंडर्ड से आती है मेरे पास, आई थी वो, आई थी 8 स्टैंडर्ड में, अकेली आती थी 8 स्टैंडर्ड में। प्रिंस था, प्रिंस आता था, लेकिन प्रिंस उस टाइम पे 1 महीना लेट था, इसलिए एक जमाने में तो ये अकेली बैठती थी। नहीं, हाँ, लखन डर गया था, कोरोना कोरोना बैच से कोरोना था तब, गुन्नू 8th में थी, और प्रिंस भी कोरोना की वजह से 1 महीना लेट आया था। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एट स्लो रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो इन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू गेट सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियंस सच अ पॉलिसी इज एडॉप्टेड विच सेव्स लेबर। अदर देन दैट रेलवेज, इनके अलावा, अदर देन दैट रेलवेज इरीगेशन रोड्स कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेक्टर ऑफ स्टेट ऑल्सो यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये सब देखो, रेलवे में भी आपको पता है बड़े बड़े मशीन्स रिलेटेड, वो ट्रेन भी, हाँ ठीक है, फिर इरिगेशन ये भी ठीक है, रोड्स आपको पता है, अभी बड़े बड़े डिवाइसेस, पहले मजदूर ज्यादा बनाते थे, अब तो पूरा डिवाइस भी ऐसा आ गया कि अपने आप रोड बन जाता है, ठीक है ना? एनीथिंग रॉन्ग? हु इज इट? कोई टेंशन नहीं है। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी आप देखो, बड़े बड़े मतलब मशीन्स लगे हुए, पहले तो एक छोटा सा घर बन रहा होता, वहां पे 10 मजदूर होते थे, यहाँ पे तो पूरा बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे 10 मजदूर नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो चीजों को? और कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, है ना, कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, वहां पे भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज हो रही है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम अक्यूट। तीव्र बच गया है यहाँ पे, वो लंबे वक्त का और शॉर्ट टर्म मत लेना। अक्यूट का दूसरा वाला मीनिंग है तीव्र, है ना, खतरनाक। दिस इज वाई भगवती कमेटी एंड वेंकट रमन कमेटी, दिस इज वाई
भगवती कमिटी एंड वेंकट रामन कमिटी विच वॉज फॉर्म टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रिकमेंडेड टू यूज लेस मिकेनाइजेशन। उन्होंने भी क्या बोला, भगवती कमिटी और वेंकट रामन कमिटी ने भी क्या बोला, भाई मशीन्स को कम यूज करो। आपको पता चल रहा है हम बहुत खतरनाक तरीके से इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़े। आप चाहो तो मैं अभी और एक बार पढ़ा दूं और या तो फिर आगे बढ़ो। श्योर कर लोगे? सुन रहा है ना तू, मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा यस, 30 मस्ट बी टेस्टिंग बेटर। 6.3.5 नहीं, वो वापस हमारा वीडियो देखने को तो आते ही है। इतना प्यार करते हैं ना ये लोग हमें, और इनको ये नहीं पता, इनके इसी प्यार की वजह से ये लोग जब वहां पे आते हैं ना, ऐसे वीडियो देख के जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग की जो एड देखते हैं ना, उसकी वजह से मेरे को पैसा आता है। तो ये इनका प्यार बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। टों 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 टों। याद, याग नहीं, याद। याद करेगा जहां। आजकल की जनरेशन में कौन करता है प्यार? तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की। नींद आ रही है बेटा? मैं तेरा साहे जहां। अब इसके बाद में ना, ये थोड़ा मोनोटोनस जैसा था, इसके बाद में हाई नोट है। अब वो मैं हाई नोट लूंगा ना तो थोड़ा भूकंप आ जाएगा। ठीक है, बारिश आ गई ना, तो आई शुड स्टे अवे फ्रॉम हाई नोट्स। एनी डाउट्स? नहीं है। 6.3.5 लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल को मैं क्या बोलू? हाँ ठीक है, वोकेशनल को मैं क्या बोलू? कुछ होते हैं वोकेशनल कोर्सेस। अरे ना रे, समझो, जैसे कि हमें एक वेल्डिंग का कोर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर रहे हैं जिसके हमें ज़रूरत है। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, बराबर है, जैसे मैंने बोला था, ये हम खुद जो पढ़ रहे हैं अभी, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, शायद इससे आप कुछ सीख पाओ। इसका हेतु ये होता है, बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं चल रहा है। बेटा ये तेरे को इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इसमें से तो कुछ सीख पाए कि आगे भविष्य में क्या होगा। अगर वी आर नॉट फार साइडेड, फार साइटेड मतलब क्या, दूर तक देखने की क्षमता, तो हम इसलिए पढ़ते हैं। देखो, जो लोग पढ़ते हैं वो फार साइटेड होते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो कभी दूर तक देख ही नहीं सकते। दे कैन नेवर सी, वो आज का ही सोच सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बारे में सोचते हैं वो लोग रोजी कमाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? रोजी, रोजी मजदूरी, कि आज सुबह में कुछ काम मिल जाए तो अच्छा है, बच्चों के लिए शाम को कुछ, आज का दिन का सोचते हैं वो लोग। फार साइटेडनेस उनके अंदर होती है जो पढ़े लिखे होते हैं, वो दूर तक का सोचते हैं कि आज के 5 साल बाद मैं क्या करूंगा, क्या होगा। ठीक है ना, तो वोकेशनल, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, वोकेशनल एजुकेशन है, तो ये आप आगे हो, अनएम्प्लॉयमेंट शायद उससे दूर हो सकता है। इन इंडिया, भारत के अंदर, वन रीजन फॉर हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनइफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, जैसे अमेरिका में उनको किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, इंसानों की ज़रूरत है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट को बताती कि हमें ऐसी नई नई टेक्निक बच्चों को सिखाओ, हमें इन लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में आया। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे आया? अमेरिका में आया, समझ रहे हो? हम अभी भी यूज़ करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, चीप, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ पर आती है? अमेरिका में आती है, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट किया है अपने एजुकेशन सिस्टम को, कंपनीज को। ठीक है, दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमोस्फियर इन एवरी सेक्टर, सच टाइप ऑफ वर्कर्स आर नॉट क्रिएटेड। हमने तो ऐसे वर्कर क्रिएट ही नहीं करे हैं, हम तो जस्ट अभी भी वही बीकॉम, वही बीएससी, वही आर्ट्स, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं सके। ठीक है ना, अलग अलग चीजें जिनको क्रिएशन बोलते हैं, आरएनडी में हम जीरो है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनडी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ एकदम से नई नई चीजें करें, कोई ऐसी पवन चक्की, विंड, मतलब विंड मिल है, कोई ऐसी न्यू पवन चक्की लेके आए, घर के आगे बालकनी में रख दो, घूमती रहेगी, एनर्जी क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, ऐसी नई नई चीजें नहीं, हम बना नहीं पा रहे। ठीक है, आज का
मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़, आज का यूथ बदल रहा है वैसे, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ये बढ़े, प्लस 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 हो जाए, ये हमारे सपने हैं। टेक्नोलॉजी एंड मेकेनाइजेशन हैज़ बीन एडॉप्टेड बाई इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा, टेक्नोलॉजी का वर्ड अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन हमने मेकेनाइजेशन मशीन्स का उपयोग इसके ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि मेकेनाइजेशन हैज़ बीन एडॉप्टेड बाई इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। वो ये वाला लाइन ऊपर वाले टॉपिक में आ गया, मशीन्स यूज किए गए किसके द्वारा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। सो सच लेबरर्स आर रिक्वायर्ड हु हैव नॉलेज ऑफ दिस टेक्निक्स, बट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज अपोजिट टू डैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लोग हल्का सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बराबर है, ऐसे इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगले वाले टॉपिक में तो इन लोगों ने बोला है मशीन होना ही नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मशीन्स आए उनको चलाने के लिए लोगों को स्किल नहीं दी गई है, उनको चलाना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उनको चलाने के लिए भी एजुकेशन दो। अब मैं ये बोलूँ, जब एक कोई मशीन आता है, अब एक मशीन इंडिया में कितने बिकेंगे, पर्टिकुलर मशीन, फिर उसको पर्टिकुलर इंडिया में कितने लोगों को, अब अगर एक शहर में ऐसे 10 मशीन है तो फिर क्या 100 लोगों को हम उसको एजुकेशन देंगे, उसका कोर्स देना भी पढ़ाना भी कितना महंगा रहेगा, समझ रहे हो, तो फिर कौन पढ़ाएगा, फिर 100 लोगों को पढ़ाने के बाद क्या 100 को 100 को उसके अंदर जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें पेपर पे अच्छी लगती है, ठीक है ना, बट द प्रेजेंट चलो ठीक है माना, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम उन मशीनों को चलाने के लिए काबिल नहीं है, हैंड स्किल लेबरर्स आर वेरी फ्यू बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक ज्ञान बोलते हैं उसको, व्यावसायिक ज्ञान मतलब कि आप स्किल डेवलपमेंट पढ़ो ना, जैसे आज की तारीख में जब कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा कौन सी फील्ड चली थी, आईटी, तो कोडिंग बड़ा चलता है, सबको कोडिंग सीखना है, बराबर है क्या, हलवा है, ठीक है ना, पहले तो आईटी फील्ड में चले जाते हैं बच्चे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सेम, बराबर है, रोबोटिक्स करना है, ये करना है, फिर उसका पहले तो इनका ट्यूशन कहीं पे होता नहीं है, फिर घूमते घूमते बोलते हैं सर बहुत तकलीफ पड़ता है, कोई ट्यूशन है तो बताओ ना। अब जो बंदा आईटी में है वो तुमको ट्यूशन देगा कि खुद अर्न करेगा, फालतू तो है नहीं फील्ड, समझ रहे, इसके ट्यूशन आपको मिलने के, आईटी के ट्यूशन आपको चाहिए ना तो मिलेंगे, 1-2 साल रुक जाओ क्योंकि आईटी वाले भी वेल्ले घूमने वाले हैं, आप समझ रहे हो, जैसे अभी मैं कॉमर्स का ज्ञान दे रहा हूँ बांट रहा हूँ, साइंस के बंदे भी आपको ज्ञान बांटते मिल जाएंगे, इवन सीए भी ज्ञान बांटते मिल जाएंगे, क्यों, उनको जो जॉब मिल रही है उससे ज़्यादा वो एजुकेशन सेक्टर में कमा रहा है, लेकिन आईटी का बंदा है अगर वो पढ़ाने बैठेगा उससे ज़्यादा उसको आईटी में मिल रहा है, तो आईटी वाला बंदा जब उसको आईटी में जॉब नहीं मिलेगी तब तो वो ज्ञान बेचने की दुकान खोल के बैठेगा, लेकिन अभी आईटी वाले ज्ञान बांट नहीं रहे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ नहीं बांट रहे जैसे हम कॉमर्स वाले बांटने के लिए बैठ गए हैं, आप समझ रहे हो चीज़ों को, कोई डाउट है, नहीं है, फिर हम भी तो धंधा तो करेंगे ना, कोई डाउट है, नहीं है, मत रखो डाउट। सो सच लेबरर्स आर रिक्वायर्ड वू हैव नॉलेज एंड ऑफ दिस टेक्निक बट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज अपोजिट दैट, एक बार और पढ़ा है, स्किल लेबर समझे ना, स्किल लेबरर्स, आजकल देखो मोमोस वाले बहुत मिल जाते हैं, यूट्यूब से मोमोस बनाना सीखते हैं और एक गली में साथ साथ मोमोस की लारी है, समझ रहे हो, सबको ऐसा लगता है पहले पानीपुरी की इतनी लारी नहीं हुआ करती थी जितनी मोमोस की लारी है, ठीक है, मोमोस किंग, मोमोस क्वीन, मोमोस बाबू, मोमोस बेबी, हाँ मोमोस मैजिक, भाई साहब, ठीक है ना, मेरा बाबू छेल छबीला मोमोस खाएगा, टिडिंग टिडिंग, कोई डाउट है, मैं तो मोमोस खाता ही नहीं हूँ कभी, कभी नहीं, नहीं खाता कभी नहीं, हाँ मैं बाजी पाऊँ खाता हूँ। प्रेजेंट एजुकेशन फेल्ड इन मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ, इसके साथ मैं एग्री करूँगा, जैसे आपने 3 इयर्स देखा था बच्चे 15-16 साल के बच्चे के ऊपर दिमाग के ऊपर ऐसा तो कौन सा प्रेशर आ जाता है, ऐसा तो कौन सा प्रेशर आ जाता है कि उनको सुसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट एजुकेशन फेल्ड इन मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसका मानसिक और शारीरिक जो बनना चाहिए उसके अंदर वो फेल हो गया है, इवन आफ्टर अक्वायरिंग एजुकेशन पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ सेल्फ
वो इतना ताकतवर नहीं है कि अपने आप को नौकरी पे लगा दे, जैसे मैं कॉमर्स का हूँ बंदा, ठीक है, मुझे कहीं पे भी काम वाम नहीं मिल रहा है, और अगर ऐसा मिल रहा है जिससे सैलरी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैंने अपना दुकान खोल दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इतना खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए भी, कुछ भी कर ले, एंड सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, उसके बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया है एक बार, स्किल लेबरर्स। स्किल लेबरर्स मतलब पता चला कुल मिला के किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल हासिल करना, जैसे बाल कटिंग, ठीक है, कौन सी कटिंग, बाल कटिंग, कोई डाउट है, यस ठीक है ना, ओके फाइन है भाई, कितना नंबर ऐड करवाएंगे भाई, इसको एक नंबर इसको सेव कर और उसका पुराना नंबर डिलीट करके, सेव करना पाएगा तुझे, वेट वेट कर, बाद में मैं करता हूँ, उसको बोल वेट फॉर फ्यू टाइम। इन इंडिया, भारत के अंदर वन रीजन फॉर हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा मतलब पढ़ा लिखा बेरोजगार, एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से हमारे देश में प्लस प्लस प्लस, ये मैं आज नया सीखा, कैसा प्लस 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 हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इज इनइफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। मैं खुद एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इनइफेक्टिव है, बेअसर एजुकेशन सिस्टम है। कैसा है, बेअसर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया। वन रीजन फॉर अ हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनइफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमोसफियर इन एवरी सेक्टर, सच टाइप ऑफ वर्कर्स आर नॉट क्रिएटेड, जो हर एक प्रकार की, और आज की तारीख में कैसा है, बड़े बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एटलीस्ट 2 to 3 फील्ड का एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हम पहले बी कॉम करते थे, तो बी कॉम में भी एक ही चीज़ से आपको लगता है कि हमारा ज़िंदगी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, एक ही चीज़ में ज़िंदगी नहीं निकलेगा, कौन सी फील्ड कब उड़ जाएगी किसी के बाप को पता नहीं चलता, ठीक है। तो दोस्त हु कैन, ये लाइन का मतलब कुल मिला के ऐसा है, ऐसे लोगों की कमी है जो कोई भी एनवायरनमेंट में सेट हो जाए, चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट में। सर एक एग्जांपल दोगे, दे देते हैं, देखो आज से 20-25 साल पहले हमारी बैंकिंग सिस्टम में क्या आया पता है, कंप्यूटर आ गया, बैंकिंग सिस्टम में किसकी एंट्री हुई, कंप्यूटर। अब जो लोगों ने जिंदगी में टाइपराइटर नहीं चलाया है वो लोग बैंकिंग, और वो भी कैशियर की दुकान पर बैठ के, कैशियर मतलब समझते हो ना, मेरा काउंटर दुकान मतलब, बैठ के ऐसे वो अकाउंट नंबर ऐसे ऐसे एंटर करते हैं, टोंग टोंग, उनको अकाउंट नंबर डालने में 3 मिनट होता था, वो पीछे लाइन लगी होती थी, है ना, आप समझ रहे हो, हम ऐसा बोलते थे कि इस बूढ़े को बिठाया है, एक्चुअली वो बूढ़ा भी मेरे जैसा ही 40-45 साल का होता था, उसको रिटायर होने में 10 साल है। तो एक पीढ़ी निकल गई, इनको चेंजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले वो ऐसे कागज हाथ से लिख के लिखते थे, ठीक है, अब आ गया कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर के बारे में सुना भी नहीं है। अब कंप्यूटर तो सीखा किसने, बच्चों ने सीखा स्कूल में, लेकिन वो जॉब पे आएंगे उनको तो देर लगेगी। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग वर्किंग एटमॉस्फेयर। दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ वर्कर्स आर नॉट क्रिएटेड। पहले वाला लाइन था, इन इंडिया वन रीजन फॉर हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनइफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, आप पूरा गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। दूसरी, दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमोसफियर, कोई भी प्रकार के एटमोसफियर में वो काम कर सके, ऐसे वर्कर्स क्रिएट ही नहीं की जा रहे हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बढ़ाने के हेतु से हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी और मेकेनाइजेशन को एडॉप्ट किया, किसके द्वारा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के द्वारा, पढ़ी लिखी लाइन है। सो सच लेबरर्स आर रिक्वायर्ड हु हैव नॉलेज ऑफ दिस टेक्निक्स, बट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज अपोजिट टू दैट, हैंस स्किल्ड लेबरर्स आर फ्यू बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, प्रेजेंट एजुकेशन फेल्ड इन मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग, इवन आफ्टर अक्वायरिंग एजुकेशन अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ सेल्फ एजुकेशन एंड सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस गाइस, हमने इसको पढ़ा, ठीक है, कितना पढ़ा, बहुत पढ़ा, हद से ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, जब यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, आपको यहाँ पे आना चाहिए कि हमने कैसे पढ़ा था, ठीक है। ये पीसी, सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स, भगवती रिपोर्ट वहाँ पे आया था, ठीक है ना। फिर ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, इसमें हमने पता था 53 लैख से 300, 4 लैख और 3,19,159 पहला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान और नाइन्थ 5 ईयर प्लान, 53 लैख, 304 लाख और 348.5 लैक्स। उसके बाद में हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। फिर स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसको पढ़ा था। ये सब कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। कॉजेस, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे पहला, सेकेंड वाला स्लो रेट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तीसरे वाला कैपिटल, सॉरी लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, चौथे वाला कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, लेबर इंटेंसिव नहीं है कैपिटल, और लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। बट लेकिन आज के लिए सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।